हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बावर्ची स्टाइल देगी मटन कोरमा बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बन जाती है और बनाना भी बहुत आसान है। वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा, तभी मेरी आपको वीडियो आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम हमने लिया है घी, क्योंकि हमें इसको घी में बनाना है। अगर आप घी नहीं यूज़ करते तब ऑयल में बनाइएगा, वैसे अगर घी हो तो बनाइएगा घी में ही। अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिया था, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन कर लेना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 5 ग्राम मैंने ये ले लिया है मखाना। इसको भी फ्राई कर लेंगे, प्याज को डार्क गोल्डन कर लेंगे हम। अब हम ये सारी प्याज और मखाने को निकाल लेंगे। हम डाल देंगे 3 छोटी इलायची, 2 लौंग है, 1 तेज़पत्ता है, आधी टीस्पून जीरा है। ये मैंने 300 ग्राम मटन ले लिया है। अब इसको डाल देंगे। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हमने लिया है हल्दी। एक टीस्पून हमने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून हमने लिया दही। अब इन सबको अच्छे से चलाएंगे। मटन की मेरे अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। अब इसके लीड कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसमें 2 सीटी लगाएंगे और 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। चलिए इधर देख लेते हैं अपने खुशबू के मसाले। ये मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है और 1.5 लिया है हमने जावित्री, और 1 छोटा टुकड़ा मैंने जायफल का लिया, 1 बड़ी इलायची लिया है, 2 छोटी इलायची। इसको हम कूट लेंगे या आप ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर में। और ये जो प्याज मैंने लाल किया ना, इसको हम मिक्सर में मोटा मोटा दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने खोल दिया है। और ऑन करके मैंने चढ़ा दिया है इसको। अब देख लेते हैं कि गोश्त मेरा गल गया है कि नहीं। गोश्त मेरा बिल्कुल गल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हमने लिया है कोकोनट पाउडर, और ये जो प्याज और मखाने को मैंने ग्राइंड किया है। और ये खुशबू का मसाला डाल देंगे, इसको मैंने कूट लिया है। अब गैस की फ्लेम को हाई करके इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। एक टीस्पून केवड़ा वाटर डाल देंगे।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा बावर्ची स्टाइल देगी कोरमा है और बहुत इजी भी है बनाना। दो मिनट इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। दो मिनट अच्छे से भुनाई हो गई है और देखिए जो मैंने आयल घी डाला था वो भी बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए 1 कप पानी। हाफ कप इसमें और डाल देंगे। अब इसको हम ढक देंगे और 1 मिनट इसको हम पकाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बावर्ची स्टाइल देगी कोरमा बनके तैयार हो गया, मटन कोरमा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी बनता है। इसे बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका देगी कोरमा कैसे बना है और आपने कैसे बनाया। नए तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।